चार्ट ओके बेटा, सो आउ थरे टिके मते क्लारीफाई कर दियो, साउंड आउ जो स्क्रीन आसु त मु देखाउ जिरा ने, समस्त क्लैरिटी आसु समस्त कर, मु किछ लिखु छी देखो, त हम तबर कहियो केस आसु ना। ओके सो आज स्टार्ट करिबा हमर ट्रिगोनोमेट्री रो। देखो बाबा, एटा तमरो 10th रे भी आई थिंक थिला हैला, बट एटा हमरो इवन 11th 12th रे भी इंपोर्टेंट एथि पई कहू छी, एज ए पॉइंट ऑफ व्यू तमरो जते के एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th दबो सबुथरे एटा इंपोर्टेंट निहाते 1 रो 2 1 रो 2 मार्क्स आसीबो। 30 मार्क्स मैथमेटिक्स 30 मार्क मैथमेटिक्स रे 1 मार्क्स निहाते आसीबो, ठीक अछि हैला। तो हाइट एंड डिस्टेंस एटा कौन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक अछि। एटा कोथरे जाउ छी हमर बाबा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सो स्टार्ट करबा देखो, तो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस जिंसोडा कौन एक्चुअली, ठीक अछि। तो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस जिंसोडा कौन हमरो एटा केते बेले मु तुमको बाबा कहि छी कि आम सपोज गोटे जिनस हाइट मेजर करवा कि गोटे जिनस कौन पॉइंट रू के डिस्टेंस मेजर करवा ये जिनस गुड़ा सब आम कौन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करवा। तो तार एप्लीकेशन एक्चुअली बेसिक केमी क्वेश्चन आसूस आमर आउे कौन कौन अच्छी बाबारे ये आम मन रखी थी एम दीटा जिनस अच्छी कौन कौन देख एम दीटा जिनस अच्छी। फास्ट आम जाना एंगेल ऑफ एलिवेशन, ठीक अच्छे दीटा जिनस कनसेप्ट जाना फास्ट आम कौन जाना एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक अच्छे एंगल ऑफ एलिवेशन। समस्त टिके भल रे मन देखी शुण कहीं इम्पोर्टेंट आटा डेमो रे पढ़े दूसरी तापर भी पढ़े नो प्रॉब्लम है पढ़ा होगी। सो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन तार डेफिनेशन फास्ट लिखुची, तो कौन द एंगल ऑफ एलिवेशन तार डेफिनेशन फास्ट लिखुची कौन द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation samaste likhiyo likhi de samaste the angle of elevation is the angle between samaste likho sath sath is the angle between a horizontal line from the observer mu dekho diagram kari batai dei tumko hela। so the angle of elevation is the angle between a horizontal line from the observer and the line of sight to an object that is above the horizontal line, साथ साथ लिखो देखो तापर मैं बुझी दूछ। तो कौन बेसिकली कौन दि एंगल ऑफ एलिवेशन इज दि एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दि ऑब्जर्वर। या माने देखो आम जिन केमी यार हाइट डिस्टेंस एक्चुअली बेसि केमी रिलेट करवा। तो ये देखो गोटे डायग्राम टे मुझे डायग्राम टे कर देख सपोज यमर गोटे कौन हॉरिजॉन्टल लाइन टे देख यमर हूँ गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन जोटा को मुझे ना दे दूसरी कौन ए बी हियर इट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ए बी। ओके
तो एठी हमर ऑब्जर्वर ठिया हैछि देखो एही जगह रे हमर ऑब्जर्वर ठिया हैछि देखुछि ठीक अछि देखि पाला ना ऑब्जर्वर को ये कौन हमर ऑब्जर्वर ये होछि हमर ऑब्जर्वर एठी ठिया हैछि तो देखुछि बर्तमान ऑब्जेक्ट अछि हमर एठी ऑब्जेक्ट कोठी अछि एही जगह रे हमर अछि ऑब्जेक्ट एही जगह रे अछि हमर ऑब्जेक्ट तो ये जो देखिबो देखो बाबा ये जो देखिबो एठी ऑब्जेक्ट को ए लाइन रे देखिबो ना ए लाइन रे ही ऑब्जेक्ट को देखिबो तो बर्तमान मु लिखि दउछि कोटा हॉरिजॉन्टल लाइन एठी ओ बी टा होची हमर हॉरिजॉन्टल लाइन ध्यान रे देखो आ ए जो ए जो लाइन रे देखिला से ऑब्जेक्ट को एटा होची हमर लाइन ऑफ साइट एटा कोन हमर लाइन ऑफ साइट मन रख एटा होची हमर लाइन ऑफ साइट आउ एंगल ऑफ एलिवेशन टा कोटा ए डी ए एंगल टा होस हमर एंगल ऑफ एलिवेशन लेट्स सपोज एटा थीटा नै जुबा जोटा की हमर कोन एंगल ऑफ एलिवेशन एटा कोन एंगल ऑफ एलिवेशन जिंस देखो पूरा रिलेट करी करी चलो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन देखो ए बी जे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वर माने देखो एटी ऑब्जर्वर एटी छिया हला तो तार सीधा लेले सेटा कोन हॉरिजॉन्टल लाइन होबो एंड द लाइन ऑफ साइट टू वन ऑब्जेक्ट माने कोन से जो छिया है कि से ऑब्जेक्ट को देखिला से जो लाइन रे देखियो वॉइस इज नॉट क्लियर बाबा टिके समस्त टिके चेक कर देलो वॉइस क्लियर मनीषा प्रधान कहलनी वॉइस क्लियर नाही बोली समस्त टिके चेक कर रे बाबा मो वॉइस क्लियर होउछ ना नै काइंडली मते टिके यस कहि परियो यस ऑर नो वॉइस क्लियर होंगे होउछ ना नै टिके कहि देलो बाबा माने क्लियर होउछ अच्छा मनीषा प्रधान तमरो टिके देखिलो कोन मामा बोधे नेटवर्क तमरो प्रॉब्लम होइथियो समस्त त क्लियर कहछन्ती ओके बाबा ओके ज्योति प्रकाश साहू कहलेनी वॉइस इज नॉट क्लियर बट मझेरे मझेरे कटि जाउछ अनुश्री बारिक अच्छा मझेरे मझेरे कटि जाउछ ठीक अछि आ टिके देखो जदि न होबो वॉइस क्लियर ना आछो त लिखिबा हैला एबे आ टिके देखो मझेरे मझेरे कटि जाउछ कहलेनी सुधी ओके 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 बाबा ओके ओके टिके देखो या पर देखो जदि न आसे मो ताले कोन करियो हैला सोटा देखो कोन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड अ लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन तमो तमको कोन फिगर भी ड्रा कर दिली तो एटा हॉरिजॉन्टल लाइन हला आ एटा कोन हमर ऑब्जेक्ट हला एटी ऑब्जर्वर दिस इज द लाइन ऑफ साइट आ ता भीतर जो कोन थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन तो एबे एटा के बुझी पारलो ये सर नो मते टिक कहलो एटा समस्त बुझी पारलो एंगल ऑफ एलिवेशन ता समस्त बुझी पारलो कि टिके मते कहलो देखि चैट बॉक्स रे समस्त एंगल ऑफ एलिवेशन ता बुझी पारलो कि नै समस्त को कुनमुन जावेद खान अनुष्का साहू स्मृति रानी समस्त बुझी पारलो एंगल ऑफ एलिवेशन ता ओके बाबा समस्त बुझी पारलो ना वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड एबे देखिबा आउ गोटे जिंस दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन सेटा कोन बाबा एंगल ऑफ डिप्रेशन एबे आउ गोटे जिंस देखिबा दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन तो देखो एठी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन टा कोन जिंसटा हैला तो देखो एठी तो कोन से एंगल ऑफ डिप्रेशन कहू छ हमकू देखो The angle of depression. That's it, no? The angle of depression. The angle of depression is the angle between a horizontal line from the observer. From the observer and the line of sight to an object that is below the horizontal line. That is below the horizontal line jinsota kon dekho tale simple sa jinsota baba actually angle of elevation e kon outhila the angle of elevation is the angle between a horizontal line and the line of sight kete bele seta jete bele
ऑब्जेक्ट आमर एभव दि हॉरिजॉन्टल लाइन में थिला। देखो एटी जिंसोटा एटी मार्क करो जेतेबेले ऑब्जेक्ट आमर एभव दि हॉरिजॉन्टल लाइन में रहतिला। एटी देखो एटा होची आमर मेन जिंसोटा एटा कोन एभव दि हॉरिजॉन्टल लाइन आउ एठी आमर कोन से सेम डेफिनेशन दि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज दि एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दि ऑब्जर्वर एंड दि लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो दि हॉरिजॉन्टल लाइन। जिंस बुझो सेठी एभव थिला एठी कोन बिलो दि हॉरिजॉन्टल लाइन एठी एभव दि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ताहाले बाबा मोर एठी जो डायग्राम टा मु करबी केमिति करबी देखो टिके सपोज आमर रहिला वर्तमान एठी ऑब्जर्वर कोठी रहिला बाबा एठी ऑब्जर्वर रहिला जेमिति कि छात ऊपर ऑब्जर्वर रहिला एई जिंसटा आमर देखो कंपेयर करो एठी सपोज पडिया रे रहिबो ने आमे रोड ऊपर चालू छे कि तळ फ्लोर रे चालू छे तो तळे खाय कि ऊपर को देखिबा होछे एटा कोन एंगल ऑफ एलिवेशन आ एई जिंसटा कोन ऊपर खाय कि तळ को देखिबा होछे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिंसटा भल से बुझो ऊपर खाय कि तळ को देखिबाटा होछे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ताले एटा सपोज मोर हॉरिजॉन्टल लाइन हला एटा मोर को लाइन हला बाबा हॉरिजॉन्टल लाइन दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा बाबा एबे ऑब्जेक्ट कोठी रहिबो नाउ हियर इज माय ऑब्जेक्ट नाउ हियर इज माय ऑब्जेक्ट। तो एबे ए जो हमर ऑब्जर्वर जो थिला एठी मोर जदि ऑब्जर्वर रहिला ताले ऑब्जर्वर वर्तमान ऑब्जेक्ट केमे देखिबो रे बाबा एमिति देखिबो ना नै ऑब्जेक्ट केमे देखिबो त माने कोन एटा हॉरिजॉन्टल लाइन तळु को लाना नै। देखो हम आखिर मूवमेंट देखो मु जेते बेले तळु थाय कि ऊपर को जिंसटे देखुसी त माने मोर कोन इट इज दि एबव दि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दैट इज दि एंगल ऑफ एलिवेशन। बट मुझे तले ऊपर थाय कि मु तळु को ऑब्जेक्ट को देखुसी त माने मोर कोन एटा बिलो दि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दैट इज माय एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेट सपोज एटा को मु अल्फा नै जाउची हियर अल्फा इज दि एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाबा पूरा क्लियर है ना? अरे यस सर नो टेल मी पूरा 100% क्लियर है समस्त मत कह एंगल ऑफ एलिवेशन कौन जिन एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन जिन पूरा जान ले कि नहीं ये थी बाबा रे एटा तुम टेन्थ रे थिला सत बट इट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर जेई ऑल्सो आगु को तो तुम साइंस पढ़ाई चूज कल मान आगु कौन दरकार आस देखो माने एते सहज कॉन्सेप्ट माने कौन आम देखो पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही सिर्फ यूज करा ये आज किसी यूज करवानी केवल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके चलवा आउ कि मानते पूरा रॉकेट मैथमेटिक्स ना ठीक अच्छे। चलो ये पेज समस्त लिखि सार भलसे ये पेज टा समस्त लिखि सार भल रे ये सर नो अरे ये सर नो समस्त कह समस्त लिख सार तो ओके यस ओके। सो चलो हाइट एंड डिस्टेंस रे एति ही कांसेप्ट थिला एबे हम क्वेश्चन को जीवा देखो अबे देखो अबे सो नेक्स्ट क्वेश्चन अबे देखिबा ये ध्यान से देखो एबे वर्तमान साउंड क्लियर समस्त रहला ना मते कहलो समस्त साउंड क्लियर होउछि तो हो ना नहीं बच्चों ये सर नो बोलो रे ओके। सो देखो सो क्वेश्चन कौन देछि डायग्राम गोटे कौन से कह एंड सी डी आर टू वर्टिकल पोल्स एंड सी डी आर भल से ध्यान से सुनो टू वर्टिकल पोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ओब्वियसली बाबा दीटा खुंत रही माने कौट रही हॉरिजॉन्टल ग्राउंड रही रही ना। सो से कही कौन draw the angle of elevation draw the angle of elevation of d from d and the
angle of depression of C from B hela from B so it has a kahichi draw tamko figure kon dekhi dekho figure amko ebhari dekhi suppose AB is a horizontal line se kon dekhi eti AB gote kon horizontal line so eta AC एटा एसी गुटा हॉरिजॉन्टल लाइन काहे से कोइ कोन ए बी एंड सी डी ए बी एंड सी डी जेते सीधा हो जे ना तमे फील कर दे एटा सीधा हो जे बोली ए बी एंड सी डी बोथ आर हॉरिजॉन्टल लाइन अच्छा बाबा हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन ए बी और सी डी जदी वर्टिकल लाइन हैला कहां ऊपर एसी हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर त माने एटा कोन होबो 90 डिग्री होबो ना नै एटा कोन हबो 90 डिग्री हबो ताले हम एबे फिगर ड्रॉ करिबा से जहा कहि छी से कोन कहि छी ड्रॉ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी मन रखि दो बाबा सदा बेले एंगल ऑफ एलिवेशन हमर कोन कहिबो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहिबो सदाले मन रख सदाले जिंसटा कोन एटी मु गोटे जिंस लिखि दो छी एटी सदाले कहिबो कोन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट of the object from the observer similarly angle of depression of the object from the observer mon rakho jinsada hala so from the observer dekho jinsada kon जो लिखी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर या माने कौन देखो ये से दे कौन कि ड्रॉ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम बी माने या टू आम एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करिबा कहार डी पॉइंट ता माने कौन जस्ट ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस कोठी बाबा एठी हमरो बीटा कौन बी होची हमरो ऑब्जर्वर बीटा होची हमरो कौन ऑब्जर्वर तो बी पॉइंट रु डी पॉइंट को आमे एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करिबा ता माने कौन मु एठी गोटे लाइन ड्रॉ करली बी टी जोटा मोर होची कौन लाइन ऑफ साइट एटा मोर कौन लाइन ऑफ साइट आ एटा हे जीव मोर एंगल ऑफ एलिवेशन angle of elevation eti gote point e denio similarly mu jodi angle of depression draw karibi baba jodi mu angle of depression draw kali tale kon hobo simple horizontal line below eti horizontal line ame kota nei je b nei je because b is the observer to semiti ame join kar daba bc ku join kar daba jodi bc ku join kar deli bc is now my line of sight au ob to एटा गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन रहिला हमरो ताहले बीई आउ बीसी भितरे जो एंगल मेड हबो दैट इज अल्फा सपोज एंड हियर इज माय एंगल ऑफ डिप्रेशन बाबा समस्त बुझी पारलो ना नाही एथरो आउ थरे क्लैरिटी रे बुझी पारलो समस्त यस सर नो समस्त पूरा डाउन डाउन हे कि ना बसिचो बुझी पारलो ना समस्त ये सर नो निलंबर सूर्यकांत मुदली आउ बाकी सब अनुश्री बारेक जावेद खान तमे को गलो मुस्कान साहू ये सर साई सुतिस्मिता अनुसा प्रधान कुनमुन बुझेला ओके मनीषा प्रधान सूर्यकांत महाराणा वेरी गुड बेटा रॉकस्टार स्वीट वाह व्हाट अ नेम सच अ ब्यूटीफुल नेम बेटा अंकित प्रधान मोनालिसा साहू समस्त बुझेला ताले ओके वेरी गुड समस्त लिखि पगा बेटा बिजवा नेक्स्ट क्वेश्चन को अरे बाबा समस्त भलो छ ना समस्त भलो छ ना नहीं ये सर नो खुशी अछ त सब गुडे स्वीट सा स्माइल दे देलो समस्त गुडे प्यारा सा स्माइल दे समस्त ऑल आर फाइन आर नॉट हां बस अनुश्री बारे सा स्माइल लेला आ कि स्माइल होबो नहीं हां साई सुशीत तक देला वेरी गुड बेटा वेरी गुड हां मुई बहुत भलो छ वेरी गुड ज्योति प्रकाश कहलाने पुणी वॉइस क्लियर आसनी बाबा रे समस्त को वॉइस क्लियर आसी मते टिके मझरे मझरे कहि कहि चलो माय वॉइस इज क्लियर और नॉट यस सर नो वॉइस क्लियर ना नाही रे बाबा यस सर समस्त ए मझरे मझरे मे बी
नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो मन कर ना इठी रखी जाने मुझे जानपा हाँ हाँ बहुत भल नीलम्बर बहुत भल अच्छी मझे मझे कटि जाऊँ कुन मुन अच्छा अच्छा ओके बाबा जीवा नेक्स्ट को एबे समस्त इंटरेस्टेड कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पाई चलो एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू को आसो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आमर अच्छे ये सर इंटरेस्टेड ओके ज्योति प्रकाश साहू हमरा इंटरेस्टेड ओके बाबा एटा तमे करिवो देखी से कही छी कोनो टू पोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू पोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड आर 60 मीटर अपार्ट तमाने कोनो दीटा पोल भीतर केते डिस्टेंस अछि 60 मीटर डिस्टेंस अछि ठीक अच्छे से कही कौन दि सर्टर पोल जोटा छोट खुंटा दि सर्टर पोल इज 3 मीटर हाइट के सर्टर पोल हाइट 3 मीटर हाइट से कौन कही दि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दि टॉप ऑफ दि टॉप ऑफ द शॉर्टर पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ द लॉन्गर पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ द लॉन्गर पोल इज 20 डिग्री केते देछि 20 डिग्री देछि तो से कहै छी स्केच द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन से कहै छी कोना sketch the diagram to represent the situation samate kar ki mote yes karla dekhi eta ki karla represent the situation ta pare mu tumko dekhi debi tumhe kon kar dabo check kar dabo thik ache se kon koisi two poles on horizontal ground are 60 meter apart the shorter pole is 3 meter height and the angle of depression of the top of the shorter pole from the top of the longer pole is 20 degree sketch the diagram to represent the situation thik achi kete jana samu tumko gote minute time douchi samaste kariki tike mate yes kahilo ke kala boli jaldi ये सरीगला जीवन ज्योति साहू तुम सरीगला वेरी गुड बेटा तुम्हें तो बहुत टैलेंटेड ताले ये तार सरीगला वेरी गुड वेरी गुड मैंने बहुत ही सिंपल थिला ताले हम छुआ मान को बहुत ही सिंपल लागला ताहले कोई कौन बाबा दुईटा पोल देने गोटे पोल एटा गोटे सपोज सर्टर पोलटा ये सपोज लंगर पोलटा अच्छा दीटा पोल भितर डिस्टेंस केते बाबा एटा 60 मीटर अपार्ट एटा 60 मीटर तो एटा सर्टर पोल एटा लंगर पोल ताहले से कही कौन दि सर्टर पोल इज 3 मीटर हाई and the angle of depression of the top of the shorter pole so eta se kahi chi eta kete 3 meter height eta kahi chi kete meter height kahi chi 3 meter height kahi chi au se kahi chi kon the angle of depression of the top of the shorter pole from the top of the longer pole is 20 degree tamane kon ki jodi amaro top of the longer pole kothi 80 और टॉप ऑफ़ दिस शॉर्टर पोल कोठी ए पीछे कोई जी एंगल ऑफ़ डिप्रेशन ऑफ़ दिस टॉप ऑफ़ दिस शॉर्टर पोल तमाने कौन रे बाबा तमाने हो जी ए जगह रे हमारा ऑब्जेक्ट हो जी को जगह रे हम को ए चीज़ को डालने का दरकार हमारा ए शॉर्टर पोल का टॉप रे हो जी ऑब्जेक्ट आउ ए थी हो जी कौन ऑब्जर्वर ए जगह रे हो जी हमारा कौन ऑब्जर्वर ए थी हमारा ऑब्जर्वर हो जी तो जो ऑब्जर्वर रे ए टा हला हॉरिजॉन्टल लाइन आउ से देखिबो केमिति ए भोलिया देखिबो
ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ରେ ବାବା 20 ଡିଗ୍ରୀ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି କହିଛ ନା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କଣ ଆମର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଡିପ୍ରେସନ। ମୁଁ କଥାଟା ଭଲସେ ଶୁଣ, କଣ ଏଟା ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଡିପ୍ରେସନ ଅଫ ଦି ଟପ ଅଫ ଦି ସଟର ପୋଲ। କାହାର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଡିପ୍ରେସନ ଅଫ ଦି ଟପ ଅଫ ଦି ସଟର ପୋଲ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଡିପ୍ରେସନ ଅର୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଏଲିଭେସନ ଅଫ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ହେଲାନି ଅଫ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ, ଫ୍ରମ ଦି କୋଉଠୁ ଅବଜର୍ଭର, ଅବଜର୍ଭରଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି ଟପ ଅଫ ଦି ଲଙ୍ଗର ପୋଲ ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ରେ ବାବା? ୟେସ୍ ସାର୍ ନୋ? ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଚାଲ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ କରିଛି। ସେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି? ସେ ଏୟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି କି ସପୋଜ ସେ କହିଛି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅବଜର୍ଭର ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଅବଜର୍ଭର? ମୁଁ ଯୋଉଠି କରୁଛି ସେଠି ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଛି ଅବଜର୍ଭର। ମୁଁ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି, ଏଇଠି ରହିଲା ଅବଜର୍ଭର ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଅବଜର୍ଭର ନ ହୋଇକି ଏଇଠି ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଅବଜର୍ଭର ନ ହୋଇକି ଏଇଠି ଆମର କଣ ଅଛି? ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି କଣ? ଏବେ ସେ କହୁଛି ଦି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଏଲିଭେସନ ଅଫ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦି ବଟମ ଅଫ ଦି ପୋଲ। ସେ କହିଛି କଣ? ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଏଲିଭେସନ ଅଫ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦି ବଟମ ଅଫ ଦି ପୋଲ। ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଏଲିଭେସନ ଅଫ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦି ବଟମ ଅଫ ଦି ପୋଲ, ବଟମ ଅଫ ଦି ପୋଲ ଇଜ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ସେ ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି ରେ ବାବା? 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ସେ। ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲା ତାହେଲେ ସେ କହିଛି କଣ? ତା ମାନେ ଏଇଟା ଦେଲା ସେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିଲା? ସେ କହିଛି ନାଓ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ହାଇଟ ଅଫ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ହାଇଟ ଅଫ ଦି ଲଙ୍ଗର ପୁଲ। କିଏ କରିପାରିବ କହିଲ? ଦେଖି ଦେଖ ରେଡ଼ମି କଣ ନୁହଁ ସାର ତମେ ଲେଖିଲ, ରେଡ଼ମି ତମେ ନୁହଁ ସାର କଣ ଲେଖିଲ ବୁଝିପାରିଲନି? ରେଡ଼ମି ତମେ ନୁହଁ ସାର ଲେଖିଲ ଯେ ବୁଝିପାରିଲ ନା କଣ ରେ ବାବା? ଟିକେ କହିଲ ଟିକେ, ମତେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ସାର? ନୁ ବୁଝିହେଲାନି ତମକୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ନୁ ସାର ଓକେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି, ଆଚ୍ଛା ଶିବାଙ୍ଗୀ ଆଦ୍ୟାଶା ମିଶ୍ର, କଣ ଆଦ୍ୟାଶା ମିଶ୍ର ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲନି କେହି? ଶିବାଙ୍ଗୀ ଆଦ୍ୟାଶା ମିଶ୍ର ତମେ ମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିଲନି ରେ ବାବା? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମତେ କହିଲ। ନୁ ଆଦେଶ ମିଶ୍ର ବୁଝିପାରିଲାନି, ଓକେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଶୁଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟା ଶୁଣ ଆଉ ଥରେ। ଟୁ ପୋଲ୍ସ ଅନ୍ ଏ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ, ଟୁ ପୋଲ୍ସ ଅନ୍ ଏ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲ ହେଲା, ସପୋଜ ଏ ବି ଗୋଟେ ପୋଲ ହେଲା, ସି ଡି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲ ହେଲା, ସି ଡି କଣ ହେଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲ ହେଲା। ସେ କହିଛି କଣ? ଯାହାଙ୍କ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି କେତେ? 60 ମିଟର। ଦିଟାଙ୍କ ପୋଲ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ଆମର 60 ମିଟର। ସେ କହିଛି ଦି ସଟର ପୋଲ ଇଜ 3 ମିଟର ହାଇ, ଦି ସଟର ପୋଲ ଇଜ 3 ମିଟର ହାଇ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଡିପ୍ରେସନ ଅଫ ଦି ଟପ ଅଫ ଦି ସଟର ପୋଲ। ସେ କହିଛି କଣ? ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଦି ଡିପ୍ରେସନ ଅଫ ଦି ଟପ ଅଫ ଦି ସଟର ପୋଲ। ତା ମାନେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମତେ କୁହ ଟପ ଅଫ ଦି ସଟର ପୋଲ କୋଉଟା? ଏଇଠି ମତେ କୁହ ଟପ ଅଫ ଦି ସଟର ପୋଲ କୋଉଟା? ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ଟପ ଅଫ ଦି ସଟର ପୋଲ ଏଇଠି କେତେ? ଏ ଆମର ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଟପ ଅଫ ଦି ଲଙ୍ଗର ପୋଲ,
टॉप ऑफ द लॉन्गर पोल एटी केते सी सी हैला एटी केते टॉप ऑफ द लॉन्गर पोल सी जो दि जन बुझि पारलनी मते कहो भल से तम से माने आंसर दवा दरकार आद्याशा मिश्र आ के सेटा नीलंबर ना कोन ना नीलंबर नोबा एटा कोन ताले टॉप ऑफ द शटर पोल ए टॉप ऑफ द लॉन्गर पोल कोन सी से कहि छी कोन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द शटर पोल ता माने कोन एंगल ऑफ the angle of depression of the kahara baba the angle of depression of the a okay tar kon kahichi from the c mo kahibara matlab hoche ya the angle of depression of a from c the angle of depression of a from c tamane of jahar seita kon object au jahar tu ame dekhile seita kon observer tamane ethi object kouta a houchi object amaro a houchi object and c houchi observer c houchi kon observer jodi c hela observer a hela object tahale ame kon koithile observer ru object ko dekhila mane seita kon hobo jehetu eta horizontal line tolu achi shutter pole top ta obviously longer pole top kon tole rahibo tamane jodi longer pole ro upore gota object rahila ta akhire tolu ko rahibo tamane se sidha nela jodi seta horizontal line sidha nela tolu ko jodi achi tamane kon akhire tolu kola tamane object ta be horizontal line na tole achi ताहले एंगल ऑफ डिप्रेशन मु कोन कहितली दी एंगल बिटवीन दी लाइन ऑफ साइड एंड दी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज माय एंगल ऑफ डिप्रेशन सो अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन हियर इज दी एंगल ऑफ डिप्रेशन कोटा हला ताहले एटा मोर हॉरिजॉन्टल लाइन हला एटा मोर कोन हला हॉरिजॉन्टल लाइन हला आ एटा मोर हला कोन एंगल लाइन ऑफ साइड एबे बाबा बुझियला ना नाही आद्याशा मिश्र यस सर नो आद्याशा मिश्र बुझेला ना नहीं शिवांगी क्लियर हला ओके ताले मु जो क्वेश्चन वर्तमान देथिली से कोन कहिची की जदी से कहिची गोटे क्वेश्चन दे मु देथिली त कोन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल इज 60 डिग्री से कोन कहिची द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माने वर्तमान सपोज ऑब्जेक्ट आछी एठी लेट सपोज ऑब्जेक्ट आछी को पॉइंट रे आठ सी रे अच्छी ऑब्जेक्ट कोठी अच्छी आठ सी रे वर्तमान ऑब्जेक्ट अच्छी सपोज सेबे कहि छी कोन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल कोटा बीटा इज 60 डिग्री ता माने एही एंगल ता मोर केते डिग्री हला 60 डिग्री से कहि छी फाइंड द हाइट ऑफ द लॉन्गर पोल ता माने एही हाइट ता से पचार छी सिंपल जिंस रे बाबा मोर जदी सीबीडी जदी गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हला सीबीडी जदी गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हला ताहाले मोर बी डी डी जगह रे कोन 90 डिग्री आ बीटा एंगल बीटा गिवन अछि ता माने मु को एंगल पकेले कोन पकेले मोर एटा गोटे हबो देखि कहलो एथि मु जदी पकेबी tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड h बाय 60 ता माने मोटी कोन पकेली tan 60 अच्छा बाबा tan 60 रो वैल्यू केते tan 60 रो वैल्यू केते √3 इज इक्वल टू h बाय 60 दैट इंप्लाइज h इज इक्वल टू 60 √3 त माने h मोर केते हला 60 √3 ये बुझी पारलनी मते टिके कहिलो रे बाबा ये बुझी पारलनी मते टिके को जल्दी टिके एतिकी भितरु ए जिंसटा के बुझी पारलनी मते को नले म आउथरे बुझाइ देबी आद्याशा मिश्र शिवांगी नीलंबर अनुश्री बारिक बाबा माने तमे बुझी पारलो ना नाही आ सब आ जति को हमर अछंती क्लियर हैला समस्त यस को समस्तंकर जदि क्लियर हैला मु चाहू छी कि समस्त यस को देठी जल्दी कुनमुन नीलंबर दिव्य दर्शन देहुरी मितारानी द्वारी रॉकस्टार स्वीटी बुझेला समस्तंकर मनेश प्रधान पितेंद्र ओके बाबा सिमरन समस्त बुझेला तो ओके सो नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3
ओके बाबा सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन एटा तमे माने करिवो मु तमको क्वेश्चन टा लिखि दउ छी क्वेश्चन कहि छी कोन ए मैन हु इज 2 मीटर टॉल ए मैन हु इज 2 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड stands on horizontal ground 30 meter from a tree ote gachha paguru 30 meter durare achi se kahichi kona the angle of elevation of the top of the tree top of the tree from his eyes is 30 degree se kahichi kona estimate the height of the tree estimate the height of the tree मते गोटे मिनट मु तुमको टाइम दे फटाफट मते आंसर कहलो ए मैन हु इज 2 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 30 मीटर फ्रॉम ए ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आईज ए जो ऑफ और फ्रॉम ए जिंसटा भलसे बुझो हैला सी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आईज इज 30 डिग्री एस्टीमेट द हाइट ऑफ द ट्री ठीक है ध्यान से देखी कल आम छुआ मैंने केमती करुच देखी टेन रूट थ्री जीवन ज्योति फास्ट आंसर आसला के टेन रूट थ्री ओके विल सी बेटा टेन रूट थ्री तमर आसला टेन रूट थ्री प्लस टू आसला कह रहा इंद्रमणि प्रधान आद्याशा मिश्र आसला टेन रुट थ्री ज्योति प्रकाश स्मिता राणी प्रकाश कुमार साहू नीलंबर साहू समस्त आसला टेन रुट टेन रुट थ्री आसला चेक कर दबा ताहले ओके लेट्स सी हियर ओके चेक करवा देखी पूरा 100% सियोर ना बाबा ये देखियो मुझे कह कहनी आुण ये मनीषर हाइट अच्छी 2 मीटर बाबा आ बहुत डेगा मनीषटाए अरे 2 मीटर हाइट मनीष देख के मनीषटे थी पगलटा कौटू आसला ये अरे अलग ग्रहर मनीष देख ये आमर ये गच्छ अच्छी कौन अच्छी ये अच्छी गच्छ हाँ कह समे कौन अच्छी गच्छ अच्छी अरे भाई गच्छा बंपी गला सीधा कर दिया गचटा को गोटे मनीषे ठिया बड़ डेगा मनीषे जार हाइट हूँ 2 मीटर जार हाइट के 2 मीटर भरसे बुझ एटा होची मोर गच्छ हैला एटा मोर गच्छ एटा गोटे मनीषटे जहार हाइट होची 2 मीटर आ गच्छरु मनीषर हाइट डिस्टेंस केते 30 मीटर बुझेला नै एटा केते डिस्टेंस रे अछि 30 मीटर डिस्टेंस रे अछि से कहि जेबे ए जो गच्छ ए जो ट्री रो हाइट केते लेट्स सपोज यार हाइट होची केते एच यार हाइट केते होची सपोज यार हाइट होची एच ताहले हमें बाहर करबा के में देखो ध्यान से सुनो से तापरे कहि जे कोन की भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आईज ता माने आईज ता रहिला एठी रे बाबा पाद तो आखी नहीं हमरो आखी कोठी अछि मुंडरे ही अछि ना माने ऊपर अछि ना आखीरा
ତାମାନେ ମୋର ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ କୋଉଟା ବନିବ? ଏଇଟା ମୋର ବନିବ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ରେ ବାବା? ଯଦି ଏଇଟା ମୋର ବନିଲା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଆଉ ମୋର ଅବଜର୍ଭର ରହିଲା ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଆଉ ଦେଖୁଛି କୋଉଠି କି ଗଛ ଉପରକୁ, ତାମାନେ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଯିବ ଏବେ ଲାଇନ ଅଫ ସାଇଟ। ଏଇଟା ମୋର କଣ ହେଇଯିବ ଏବେ? ଲାଇନ ଅଫ ସାଇଟ। ଆଉ ସେ କହିଛି କଣ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଏଲିଭେସନ ଟା କେତେ କହିଛି? ସେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି ବାବା। ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଏଲିଭେସନ କେତେ କହିଛି? 30 ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି। ତାହେଲେ ସେ ହାଇଟ ପଚାରିଛି। ତା ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯଦି ମୋର ବେସ୍ ଟା ନେବି ମୁଁ ଏ ବି, ଆଉ ବି ଡି ହଉଛି ହାଇଟ ଅଫ ଦି ଟ୍ରି, ଆଉ ଏ ସି ହଉଛି ହାଇଟ ଅଫ ଦାଟ ମ୍ୟାନ, ଆଉ ସେ ମତେ କହିଛି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଏଲିଭେସନ ଅଫ ଡି ଫ୍ରମ ସି, ତାମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଇ ନେଇଯାଅ। ଏବେ ମୁଁ କନସିଡର କରିବି ଇନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସି ଡିଇ। କୋଉଟା ଆଙ୍ଗେଲ ଟା କନସିଡର କରିବି? ସି ଡିଇ ଟା କନସିଡର କରିବି, ଯୋଉଠି କି ମୋର ଇଟା କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାମାନେ ଯଦି ସି ଡିଇ କନସିଡର କଲି, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଇଠି ଆଙ୍ଗେଲ ସି ଆଙ୍ଗେଲ ଗିଭେନ ଅଛି, ତାମାନେ ମୁଁ କହିବି ଟ୍ୟାନ ସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିଇ ବାଇ CE, that implies tan 30 is equal to DE. DE ta jagare mu kete likhibi kahile re baba? Mu eithi DE jagare kete likhibi? Mote kuho samaste answer dio, mu eithi DE jagare kete likhibi? Baba Sandhyarani Rockstar Sweet Anushree Sai Suchismita Shubham Barik, mote tike kindly kahi paribo ki DE jagare kon likhibi mu? ভেরি গুড, 10√3 প্লস 2 হব। ইয়েস স্যার নো? বিকজ কাহেকি না, যেহেতু ডি জায়গায় মু এটি লিখিবি এইচ মাইনাস 2 রে বাবা। কোন লিখিবি এটি? এইচ মাইনাস 2। দেখুন তুমি নিজে এটি দেখো, এই জায়গাটা মু কোন লিখিবি? এইচ মাইনাস 2, বিকজ ডি র ডিসটেন্স মোর কত হব? পুরা ডি ডি বি র ডিসটেন্স হচ্ছে মোর কত? এইচ। ଆଉ ଇ ଡି ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ? 2। ତାହେଲେ ମୋର କେତେ ହବ? ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ 2। ଆଉ ଏଇ ସି ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ? ସେଇ 30 ମିଟର ହବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟା। ତ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ସିଇ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 30। ତମେ ମତେ କୁହ ଟ୍ୟାନ୍ 30 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଟ୍ୟାନ୍ 30 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଆରେ ଟ୍ୟାନ୍ 30 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଦେଖ ପୁଣି ଭୁଲ କହୁଛ, ସାଇନ 30 ବାଇ କସ 30, ଯଦି ମନେ ରହୁନି ଏମିତି ମନେ ରଖ, ଇଏ 1/2 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ କେତେ? √3/2। ତ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ 2/√3 କେତେ ଆସିଲା? 1/√3 ରେ ବାବା କେତେ ଆସିଲା? 1/√3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଚ ମାଇନସ 2/30, ଦାଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ 30/√3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଚ ମାଇନସ 2। ତାହେଲେ ଏବେ ମତେ କୁହ ଏଇଟା ମୋର କଣ ହେଇଯିବ? ଉପରଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 10√3/√3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଚ ମାଇନସ 2, ତା ମାନେ √3/√3 କଟିଲା। ତ ଏଚ କେତେ ହେଲା? 10√3 + 2 ଇଜ ମାଇ ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା ନାଇଁ ରେ ବାବା? ଶିବାଙ୍ଗୀ ଟିକେ କହିଲ ଦେଖି। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ମୁସ୍କାନ ସାହୁ, ରକ୍ଷର ସୁଇଟ, କେବି କିରଣ କୁମାର, କୁନମୁନ ଆମର କୁଆଡେ ଗଲା, ଜାଭେଦ ଖାନ, ସୌମ୍ୟ ଦାସ, କୁନମୁନ କୁନମୁନ କୁଆଡେ ପଳେଇଲ କି ତମେ? ସିମରନ, ମନୀଷ ପ୍ରଧାନ, ୟେସ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ତ? ଓକେ ବେଟା, ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଠିକ ଅଛି। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट केते मन नहीं मोर, देखो एबे आउ गोटे क्वेश्चन देखो, जस्ट ए मिनट बेटा, गोटे मिनट वेट करो, गोटे मिनट। ओके, से क्वेश्चन कौन देख,
डायरेक्ट डायग्राम ड्र कर क्वेश्चन टा डायरेक्ट गल कह लिखुन देख नेक्स्ट क्वेश्चन आस से कौन कह देख सिचुएशन देख आमर सपोज ये गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए देख भल से सिचुएशन देख मुझे ब्लैक कर दूसरे एटी से कौन कही ओ ए गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन दी से कही तब ओपी गोटे वर्टिकल लाइन अच्छे ओपी कौन अच्छे गोटे वर्टिकल लाइन अच्छी आउ सिमिलरली एटी ए बी भी आ गोटे वर्टिकल मुझे ड्र कर दूसरी लाइन टा एम गोटे लाइन अच्छे है से कौन कही जस्ट ए मिनिट मु ड्र कर दूसरी फास्ट देख एटा मर देची ओ एटा मर देची पी एटा कौन देची पी एटा देची क्यू एटा देची आर हेला जिनसम सिचुएशन बुझ फर्स्ट से कहिछि कोन ओपी भितरे डिस्टेंस से पचारछि से कहिछि फाइंड ओपी माने ओपी रो डिस्टेंस पचारछि आ कोन कोन गिवन देछि से गिवन कोन कोन देछि कि पी आर इज इक्वल टू 30 मीटर पी आर कोन देछि 30 मीटर देछि तापर से कही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सॉरी ऑफ क्यू फ्रॉम पी एंड आर आर केते देछि P टू देची से 45 डिग्री एंड B रु देची से 30 डिग्री सॉरी R रु देची 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली जिनस मन रख सिचुएशन देख से कही OP इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन OQ एंड PR आर टू वर्टिकल लाइंस एंड PR इज 30 मीटर ता सहित से कही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ Q फ्रॉम P एंड R आर केते देची पी टू से देची 45 डिग्री आर टू से केते देची 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली देन फाइंड केते ओपी हमको फाइंड करले अछि केते जण करि परे मते दे कहलटा हमर एईटा केते जण करि परिबो मते दे कहलो देखि रे बाबा हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस न्यूमेरिकल यस यस स्मृति स्मृति कौन सी कौन स्मृतिमयी से यस कहला जावेद खान शिवांगी अनिष्ट प्रधान समस्त सिचुएशन बुझे ना सो ओपी इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल ओक्यू एंड पी आर टू वर्टिकल लाइंस एंड पी आर इज गिवन दैट इज 30 मीटर तापर से कहिजे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्यू फ्रॉम पी एंड आर आर केते देछि 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली सो पी टू से कहिजे 45 डिग्री आर टू से कहिजे 30 डिग्री ताले से कहिजे फाइंड ओपी मत कह सॉल्यूशन जल्दी जल्दी आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम अब जनता शिकार पर निकलेंगे देखते हैं कितना शिकार कर पाते हैं आज मुस्कान साहू सिमरन सौम्य दास नीलंबर स्मिता रानी कुलमुन आर ऑन दी जूस जल्दी जल्दी
सरला समस्त आंसर के काइंडली मते को आंसर के आसला सरला की थर्टी बाय वन माइनस रूट थ्री थर्टी बाय वन माइनस रूट थ्री ना 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 कुनमुन मामारे कुनमुन कुनमुन नहीं सॉरी सर ओके ओके देखो ये हाँ ये नुह ओके बाबा तो सिंपल सा जिन से आमको सब जिन देदेला एटा दे दी थर्टी मीटर एवं से कही क्यू पॉइंट रु पी पॉइंट को गोटे एम ड्र करदे ओके तर सिंपल पी क्यू पॉइंट रु देखो आर पॉइंट को गोटे ड्र कर देख ये जिन कौन ड्र कर सिंपल सा जिनस एपर कौन करी देख एबे आर जगह ये मोर कौन गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन ये देख जिते बड़े आर रोच ऑब्जर्वर एटा हॉरिजॉन्टल लाइन ओपी रो तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन देछि ताले से कहिछि पी पॉइंट रो केते डिग्री एटा 45 डिग्री एटा केते कहिछि 45 डिग्री आ एटा एटा केते कहिछि ए पॉइंट आ एटा कहिछि 30 डिग्री एतिकि समस्त बुझि पालो ना नै एतिकि समस्त बुझि पालो तो जावेद खान नाइ रे बाबा साइन सर 30 बाय रूट 3 माइनस 1 ना होबनि बोदे एतिकि सब बुझि पालो सिचुएशन है या तापर से कोई चीज़ ओपी रो डिस्टेंस ओपी बाहर करिया पाए तमाने ओपी टाकु नहीं जाओ सपोज एक्स नहीं जाओ लेट ओपी टाकु नहीं जाओ एक्स क्लियर ना नहीं अच्छा बाबा मते गोटे कथा कह जदि पी आर हेला केते जदि पी आर हेला 30 मीटर ताले एटी गोटे आर एटी एस गोटे ना नहीं तो ताले पी आर इज इक्वल टू मु कह परबी ओ एस ये भी है जो 30 मीटर ये भी केते है जो 30 मीटर अच्छा एटा 30 मीटर हेला पोरे बर्तमान देखो जेहेतु मते क्यूएसआर क्यू मते देखो किछ डाटा गिवन नै एडी मते खाली पीआर गिवन अछि तो एडी के ध्यान दे कि सुनिबो आमे स्टार्ट कोठु करिबा आमुकु कोटा फ्लेक्सिबल होबो सो दैट आमे जो स्टार्ट करि परिबा आमुकु को जिनसटा फ्लेक्सिबल हे परि सो दैट आमे स्टार्ट करि परिबा एटलीस्ट तो हमरो गोटे नोन वैल्यू जोटा देछि देखो क्यूओपी ए जो ओपी क्यू ट्रायंगल रे हमर नोन वैल्यू गोटे दे छि केवल ओएस से दे छि 30 मीटर तो एठी मु क्यूएस रा अलग किछ नै भी क्यूएस रा एठी मु नउ छि सपोज एठी मु क्यूएस रा नै नउ छि सपोज एटा मोर केते वाई लेट सपोज एटा मोर केते वाई ध्यान दे कि सुनो एटा मोर वाई एबे मु लेखिबी देखो कोन नाउ इन ट्रायंगल ठीक ध्यान दे कि सुनो को लेखिबे एबे नाउ इन ट्रायंगल कोटा ओ पी क्यू ठीक है ध्यान देखिए सुनो बाबा ओ पी क्यू ता माने कोटा 90 डिग्री एटा 90 डिग्री ओटा 90 डिग्री ताहले मु कहि परबे एठी कि tan 45 इज इक्वल टू केते हो ओ क्यू बाय ओ पी आहा tan 45 ए देखो ना ओ पी क्यू ट्रायंगल देखो जीवन जो ओपी क्यू ट्रायंगल देखो तो पी टा केते 45 डिग्री तो tan 45 डिग्री केते ओ क्यू बाय ओ पी तो एडी ओ क्यू टा केते हबो ओ क्यू टा म लिख परि दैट इज tan 45 रो वैल्यू केते tan 45 रो वैल्यू के कह परबो 1 1 इज इक्वल टू ओ क्यू जगह केते लिख परबी 30 प्लस y डिवाइडेड बाय ओ पी जगह केते लिखबी x 30 plus y is equal to divided by x. That implies it will be very easy. That implies x is equal to 30 plus y. This is my equation 1.
केते हला x is equal to 30 plus y this is my equation 1 similarly abe au ko triangle ko aso now in triangle qrs ko triangle re qrs triangle re dekho to eti kete likhibi that is tan 30 is equal to qs by sr ओ रेशनलाइज करनो अच्छा ठीक अछि ठीक अछि ताने tan 30 रो वैल्यू केते 1/√3 आ qs होछि मोर y डिवाइडेड बाय x ता माने इडी मोर कहिलो देखी y रो वैल्यू केते होबो दैट इज x बाय √3 होबो नै देखो दिस इज माय इक्वेशन 2 दिस इज माय इक्वेशन 2 एबे देखो एबे मु कोन कहिबि फर्स्ट इक्वेशन में लिखी इक्वेशन वन मोर के एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस वाई अच्छा वाई जगह ये वैल्यू पुट कर दिए ना नहीं दैट मींस एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स बाय रूट थ्री दैट इम्प्लाइज इट हम सॉल्व करो एक्स माइनस एक्स बाय रूट थ्री इज इक्वल के 30 दैट इम्प्लाइज एक्स होल इंटू वन माइनस वन बाय रूट थ्री इज इक्वल के 30 एटा को सॉल्व करले मो एपट सॉल्व करछु देखो एटा को सॉल्व करले केता हो दैट इंप्लाइज ये जीवो x होल इनटू √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 30 क्लियर ना नहीं दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 30 √3/√3 माइनस 1 एमेति केबे भी छाडी बनि बाबा बारंबार कहूची ए टाइप रो केबे भी छाडी बनि यू हैव टू रेशनलाइज इट क्लियर ना नहीं काहे कि ना न्यूमेरेटर जदि गोटे इरेशनल नंबर आसीबो ताले सेडा मोर कोन फ्रैक्शन की कोन हबो की रियल नंबर हबो की नाही ना तो हमको रियल नंबर टाने उ पड़िबो ताले हमें को करबा न्यूमेरेटर रु एटलीस्ट कोन करबा ए रियल नंबर टा इरेशनल नंबर टा को हटेबा ताले केमिति बाय रैशनलाइज इट तो 30 √3 ऊपर हबो √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई तले हबो √3 प्लस 1 ताले केते जबो √3 रो स्क्वायर माइनस 1 रो स्क्वायर माने x इक्वल केते गला ताले इठी एठी गला केते 30 इनटू √3 टू √3 केता हो 30 इनटू √3 ये केते √3 प्लस 1 ताले से करो ये हे जीवो 30 √3 टा को मल्टीप्लाई कर देले 3 प्लस √3 ये डिवाइड बाय 3 माइनस 1 केते हे जीवो 2 दैट इंप्लाइज x इक्वल टू ये 15 ने कटिबो तो 15 होल इनटू 3 प्लस √3 15 √3 प्लस देखो पूनी भूल गल्ला से जाबे था एति की मोर आंसर आसो देखो बोल से देखो ए जगह रे टिके कैलकुलेशन देखो रे ए जगह रे मु कोन कहली √3 टा को भीतर पुरै देली देखो √3 टा को भीतर मु काहे के एति की मल्टीप्लाई करछि भी कहलो मते टिके एति मु काहे मल्टीप्लाई करछि भीतर को मु पुरै देली √3 तो √3 भीतर गले केते हबो √3 इनटू √3 3 हां हां सही सेटा भी कले हबो किछ असुविधा नै √3 इनटू √3 केते 3 प्लस ये केते हबो √3 3 प्लस √3 रहिला तापर ये बाहर केते रहिला 30 अदरवाइज तमे आउ कोन करि परिबो और आउ कोन करि परिबो मु जदि लेखिबे एठी और लेखि परिबी एठी और आउ कोन लेखि परिबी देखो भलसे एठी मु लेखिबी जदि और एठी कोन हबो देखो भलसे 30 √3 या तो तुम गोटे काम करो सब तक गुणी दियो गुणीवा द्वारा हमर कोन हो गोटे ए आउरी देखो 15 रहला ए देखो इंद्रमणि प्रधान जो लिखी छी 45 प्लस 15 √3 एमिति रखने आंसर एमिति आसीबो ने एक्चुअली आंसर एमिति ही आसीबो गोटे कॉमन जिंसटा नबो ना कॉमन नेले हेजु केता होची जदि 45 प्लस 15 √3 रु कॉमन गले केता होची 15 होल 3 प्लस √3 सेटा कोन एडी गोटे कॉमन नेकी लिखिबो हैला समस्त बुझी पाला ना ना एटा ए जो इंद्रमणि लिखिला 45 प्लस 15 √3 हैला तो दैट इंप्लाइज 15 कॉमन कर केता हो देखो ना 3 प्लस √3 होने हैला समस्त बुझि पाला ना नहीं मते को समस्त बुझि पाला ना नहीं जल्दी को समस्त बुझी पारल ये सर नो
ये सर है वाला आई अंडरस्टूड सर समस्त हमरा क्लियर है ना नहीं जल्दी को समस्त हमरा क्लियर है ला डन अच्छा नीलमर तुम नेट कटी वाला ओके मोटी के भूल जाबे खन यस सुंदरानी प्रधान समस्त हमरा क्लियर है ला सर आउथरे ओके साई सुस्मिता आउथरे मु कह दो छी मु बुझी नहीं सर ओके बाबा ओके 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 बाबा ओके सो लेट्स सी द सिचुएशन हियर सिचुएशन कोन दे छी आउथरे बुझो सुन सुचिस्मिता और नीलांबर सुना उधर फटाफट देखो सो से कहि जी ओपी जे हॉरिजॉन्टल लाइन ओक्यू एंड पीआर 2 वर्टिकल लाइंस आर हियर आ से कहि जी कोन से कहि जी या जे पीआर इज इक्वल टू 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्यू फ्रॉम पी एंड आर आर केते 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली ता माने कोन मोर पी पॉइंट रे मोर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड आर पॉइंट रे एंगल ऑफ एलिवेशन केते हला 30 डिग्री ताले से कहि छी फाइंड ओपी सी दिस सिचुएशन बेसिकली सी दिस सिचुएशन हियर से हम कहि छी फाइंड द ओपी ताले देखो सिंपल सा जिंसो हमे फिगर ड्रा कर सला पारे एबे देखिबा कि नाउ इन ओपी क्यू ट्रायंगल नाउ इन ओपी क्यू ट्रायंगल मते कहो बाबा एठी tan 45 डिग्री मो ऑब्वियसली नेबी बिकॉज़ मोर सेही एंगल ता हमर जो डाटा अनुसार हमको सेहीटा ही नबाउ पडिबो तो tan 45 केता होबो OQ by OP तो इधर OQ टा केते 30 plus Y आउ OP टा केते X that implies X is equal to 30 plus Y now in triangle QRS again in triangle QRS रा में देखिवा कि tan 30 is equal to केते रे बाबा QS by SR तो QS इधर केते Y आउ SR टा केते इधर X ता माने Y रो वैल्यू इधर केता असला हमरो X by root 3 Y रो वैल्यू केता असला X by root 3 so that implies ebe amaku di ta equation achi di ta unknown achi to amaku khali find karar achi x ra value ta kahi ki na amaku op ra distance pachar chi acha jodi y ra value bi find karabu dei chanta tahale no problem x jagare pakai jo y ra value har kar dio no problem but amaku khali x dei pachar chi ethi ta mane ebe equation 1 ame jodi lekhiba tahale keta hochi x is equal to 30 plus y bartaman y ra value ame jani chi that is x by root 3 so simple put the value of y here तो y पुट कला परे मोर देखो x केते आसला एटी सॉल्व करो सिंपल सॉल्व करे कि मु एई पोजीशन को आछी देखो सिंपल सॉल्व करो एई पोजीशन को देखो एई पोजीशन रे देखो तो एई पोजीशन है 30√3/√3 - 1 एई पोजीशन रे केबे भी आंसर छाडिबो नाही मोर रिक्वेस्ट सिंसियर रिक्वेस्ट एई जगह रे केबे भी आंसर छाडिबो नाही भूल हे जीवो माने आधा मार्क मिलिबो ताले इटी कोन करिवो तो सिंपल रेशनलाइज करिवो आमे जानिते रेशनलाइज केमिति करंती जेहेतु डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर अछि यू हैव टू फर्स्ट रेशनलाइज इट तो रेशनलाइज कला परे मो इटी रेशनलाइज करली एबे देखो ए स्टेप परे मु कोन करली के √3 टा को भीतर को नै करली √3 टा को भीतर को नै करली दैट इज कोन होबो 30 होल इनटू 3 + √3 तो 3 + √3 एबे सिंपल सा जिंस डिवाइड बाय 2 अछि 2 को 30 रे काटि दियो तो ये हे गला 15 15 होल इनटू 3 + √3 बाबा रे क्लियर ना नाही यस सर नो मते कोह समस्ते समस्तंगर वर्तमान सुचिस्मिता आउ जे कहिला नीलंबर हमर बुझेला ना नाही एबे समस्ते बुझि पारलो एबे यस सर नो टेल मी फास्ट समस्तंगर क्लियर हेला ना नाही रे बाबा ओके बर्तमान आउ गोटे सिचुएशन देखिबा बर्तमान कोन देखिबा आउ गोटे सिचुएशन देखिबा ओके सी हियर एबे जीवा नेक्स्ट को समस्त इंटरेस्टेड अछो ना नाही मु नेक्स्ट करिया पई नेक्स्ट क्वेश्चन करिया पई समस्त इंटरेस्टेड अछो ना नाही मते टिके कहलो देखी बाबा माने समस्त इंटरेस्टेड अछो मु नेक्स्ट क्वेश्चन करिया पई समस्त इंटरेस्टेड अछो की तापर जे मु नेक्स्ट क्वेश्चन करबि न हल करबि यस सर इंटरेस्टेड बोली समस्त को यस सर समस्त इंटरेस्टेड ओके बेटा ओके 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 तो वर्तमान फिर से सिचुएशन देखो इट वर्तमान फिर से सिचुएशन देखो इट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमको मु फर्स्ट फिगर टा ड्रा कर दो जी हला मु फर्स्ट फिगर टा ड्रा कर दो जी देखो हम को एट देसी
फास्ट मुझे फिगर ड्र कर दूसरी है ताकि तुमको कौन हम ओके देन फिगर ड्र कर सिचुएशन कह तुमको जस्ट ए मिनट वेट 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 जस्ट ए मिनट बेटा ओके सब ना दे दूसरी फास्ट जिनस ना दे दूची टिके पेशेंस रख बाबा माने एटा होची ओ टिके फील आसवा दरकार ना तुमको तो अरे सर नो बेटा समस्त फील आसवा दरकार ना फिगर टा जो टेढ़ा मेढ़ा हो चार मास नो टिके सो कौन ला ओ ए बी सी डी एमती गोटे ना दे देली मुला एबे हमको सिचुएशन भल से बुझो सिचुएशन कोन देची हमको से देची बी सी से कौन देची एठी बाबा आमको से देची कौन कौन गिवन फास्ट देची देखो बी सी दे देची आमको 5 मीटर कौन देची रे बाबा बी सी दे देची आमको 5 मीटर एंड से कहिची द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम डी से कौन कहिची द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम डी is 15 degree ध्यान से सुना बाबा से कौन कही छी ऑफ ए फ्रॉम डी इज 15 डिग्री फर्स्ट इंसान को देला ट्रायंगल देखि देलो तमे एठी बीसी भी आ गोटे एठी अछि लेंथ आ बीसी दे देला 5 सेंटीमीटर आ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम डी दे देला 15 डिग्री क्लियर है कि एबे से कौन कही छी ओ ए से कही छी केते बाबा इठ मु लिखि दउ साइड रे हमको से ओ ए रो भी लेंथ दे छी केते मीटर 10 मीटर दे छी ओ ए दे छी केते मीटर 10 मीटर दे छी से वर्तमान पचार छी कोन से या पचार छी कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओ सी से केते पचार छी फाइंड ओ सी से ओ सी पचार छी बे के कहि परबो मते देखि कहिलो केते जण एटा आंसर दे पारिबो मते टिक कहिलो देखि रे बाबा सेबे कहि छी ओ सी पचार छी समस्त केते जण एटा आंसर दे पारिबो देखो बाबा मते देखिलो ट्रायंगल एबे देखो से कहि छी ए ओ डी ट्रायंगल रे बी सी गोटे भी गोटे लाइन अछि ता भितरे हैला आ एटा सब 90 डिग्री मन रखि ता एटा सब 90 डिग्री हैला एबे एई एंगल ला भी दे छी केते ए एंगल ला देई छी केते एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी ए ऑफ ए फ्रॉम डी दैट इज केते 15 डिग्री एटा देई छी से 15 डिग्री ताले से पचार छी कोन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओसी केते जण मते करि परबो टिके फटाफट यस करो फर्स्ट यस करो ताकि मु तुमको विश्वास करिक रही परबी मते कहो फर्स्ट केते जण करि परबो तापर करबो आगो कहो केते जण करि परबो हाउ मेनी ऑफ यू हैव द कॉन्फिडेंस टू डू दिस क्वेश्चन फटाफट टेल मी बेटा अन्वेषा बारिक फास्ट ज्योति प्रकाश शिवांगी मनीषा वेरी गुड बेटा बाकी अरे बाकी सब कुआ गल मोनालिसा अन्वेषा प्रधान ऐसे नीलंबर कुनमुन हाँ ट्राइ करू जो ओके बाबा ओके संतरण प्रधान ओके डू इट डू इट डू इट फास्ट फटाफट जल्दी ओके 10 रूट थ्रू रूट थ्री आसला इंद्रमणि प्रधान कर आसला 10 रूट थ्री बाबा तुम्हें ट्राए कल फास्ट मु बहुत खुशी बट आंसर इज रॉन्ग ओके बेटा तुम्हें फास्ट ट्राए कल आई एम वेरी हैप्पी बेटा बट आंसर इज रॉन्ग व्हाट विल बी द आंसर से कही छी फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ सी इंद्रमणि प्रधान आउट ट्राए कर आउट बाबा ट्राए कर
ओके बाबा ट्राए कर सारल मु करी एवं देखो कैसे इजी क्वेश्चन है मुझे मुझे देख यार समस्त यार कंसंट्रेशन करो स्क्रीन ऊपर कंसंट्रेशन करो समस्ते टिके बाबा खाता पेन टिके रखी दियो समस्ते बाबा माने यार कंसंट्रेशन दियो देखो सिंपल सेट पर बाबा से एठी कहिची ए ओ डी गोटे राइट एंगल ट्रायंगल सेम टू सेम बी सी डी आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल हां tan 15 कोन अच्छा tan 15 कोन अच्छा से जगह टिके कंफ्यूज हो जाउ कह दे बाबा कह दे tan 15 टा में केमिति बाहर करबा मैं कह देबी देखो देखो सो एटी गोटे एक्चुअली फॉर्मूला गोटे अच्छे तार मुझे नुआ है देख तुम आई थिंक टेन्थ रे पढ़ी ना कौन मतलब लगुच टेन्थ रे पढ़ी ना ना देख जब न पढ़ी चो यहाँ पर कम आसो नो प्रोब्लेम है न पढ़ी चो पर कम आसो नो प्रोब्लेम देख ये तो सिंपल सा जिनस कौन मुझे गोटे ड्र कर बाबा बी पॉइंट रु ए ऊपर को गोटे परपेंडिकुलर ड्र कर कौन एटा मोर जमीती कि 90 डिग्री हम आईटा को मुझे पॉइंट ई एटा कौन दे दौर पॉइंट ई हाँ बाबा ये 40 माइनस 30 करवा अनुश्री बारिक 40 माइनस 30 करवा नीलम्बर जोटा कहले ठीक अच्छे तो अब सिंपल सा देख बी पॉइंट रु ए को मुझे ड्र कली परपेंडिकुलर कहीं ड्र कली मुझे तुमको कहबी कहीं जेहेतु मोर ए डी ट्राइंगल केवल डीटा दे 15 डिग्री आमको कही ओसी बाहर करने बाबा आमको ओसी बाहर करने सब अन्नोन ये तो आमको टी तो ट्रिक अप्लाई करा पड़ो ना तो ये सिंपल बीसी देदेला 5 सेंटीमीटर बीसी केतला 5 सेंटीमीटर अच्छा जदि बीसी 5 सेंटीमीटर देदेला आम बी रु ये गोटे परपेंडिकुलर ड्र कले मोर के हम बाबा ये ओ भी मोर के हम 5 सेंटीमीटर आसत ये मुझे लिखिपारि कौन बी सी इज इक्वाल टू ओ दैट इज 5 सेंटीमीटर अच्छा जदि ओ 5 सेंटीमीटर है मोर एटा के 5 सेंटीमीटर हम ना नहीं ये 5 सेंटीमीटर बिकज बिकज वाई बिकज ओ ए माइनस ओ ते ओटा के 10 माइनस 5 दैट इज के 5 सेंटीमीटर ये बाहर कर सारापर आम कह देखे एवं आम कौन कर एबे आमे कौन करीबा ना गोटे काम कर देखो ए ई बी ट्रायंगल देखो ये ए ई बी ट्रायंगल देखो आउ बी सी डी ट्रायंगल देखो ध्यान से सुनो नाउ इन ट्रायंगल एत कथ छाड़ दिया बर्तमान हाँ छाड़ नाउ इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल बी सी डी बाबा रे ए दिटा रे कौन देखु छ देखि कहलो हमर ई इज इक्वल टू सी 90 डिग्री कौन आठ देख एटा कई रे बाबा ए इज इक्वल टू बी देख मु लिखी पारि कि इज इक्वल टू सी बी डी ये सर नो इज इक्वल टू सी बी डी हम ना नहीं सिंस लिखिबो एठी कोन ओ ए पैरेलल टू सी बी यदि ओ ए पैरेलल टू सी बी ला ताहले हमर कोन एटा हां कोन एटा ताहले एकांतर कोन जोटा कहनी सेटा ना कोन तापर दीटा सरल लेखा एठी समांतर आ गोटे सरल लेखा छेद करूची ताहले कोन एठी एंगल सेम ताहले हमर दीटा जदि एंगल सेम हे गला ताहले ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी सेम दैट इज कोन A B E is equal to B D C, which is equal to कितने? 15 degree. तो माने हमारा A टा कितने होला? 15 degree. इतनी की clear हैला ना नहीं रे बाबा? Angle B टा 15 degree हैला बोले समस्त अगर clear हैला ना नहीं? Yes को fast. तापर मु आगे कुछ भी. समस्त कुहा इतनी की clear हैला ना नहीं? Yes sir no. समस्त कुहा इतनी की clear हैला ना नहीं? Yes sir no. Okay बेटा. एति क्लीयर हो गला पोर्सन टा लिभ दूसरे समस्त समस्त कर सारल एटा समस्त कर सारल ना ना ये पोर्सन लिभेबी मुझे जगह हेनी है दीटा एगला 15 डिग्री ये पोर्सन टा मुझे लिभ देख स्क्रीनशॉट समस्त मारद पे मारद फटाफट स्क्रीनशॉट मुझे लिभ दूसरी।
जस्ट मिनट बेटा, वेट वेट वेट। ओके देखो बेटा, सोईटी कौन करवा ताले? नाउ इन ट्रायंगल ए ई बी देखिल, देखी ए ई बी रे आमे कौन पाइले एडी लिखि परबा tan 15 इज इक्वल टू ए ई बाय ई बी। अच्छा बाबा मते कहिलो देखी ई बी जति कि ओ सी भी सेति कि हो ना नाही, ई बी जति कि ओ सी भी सेति कि हो। लेट्स सपोज ओ सी टा आमे नै जिबा केते x नै जिबा, ताले ई बी टा भी सेति केते हो, एटी पे जिबो x। तो दैट इंप्लाइज एटी लिखो tan 45 डिग्री जगह में लिख परबे tan 45 15 जगह 45 माइनस 30 is equal to a kete 5 by x likhu chhi, kete likhu chhi 5 by x। ebe gote dekho, ebe ame formula pokeba kaharo tan a minus b ro gote formula achi। tan a minus b ro formula kono achi seta tan a minus tan b by 1 minus tan a into tan b। ए फॉर्मूला केते जन को आसी देखी कहलो रे बाबा, ए फॉर्मूला केते जन को आसीबो, केते जन जानिछ कहलो देखी tan a minus b is equal to tan a minus tan b divided by 1 minus sorry the 1 plus ए मोटा कोन को लिखिरे सॉरी 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 एटा न हो डन गुटी मिनट ए ए तोल डन एटा होबो केते tan a minus tan b is equal to समस्त ये कौच मिछ कथा कौच मुझे भूल लिखी तुम कि मिछ कौज कि tan a plus tan b है यार फर्मूला ये बड़ा मिछ तुम कह मुझे भूल लिखी समस्त ये कहल देख एटा कौन हो tan a minus tan b divided by tan a plus tan b ताले सिंपुलर पकेबा ना 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 1 plus हाँ सहीटा गोटे यहाँ गोटे साई सुचिस्मिता यहाँ ओके 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 बाबा ओके ओके नो प्रॉब्लम एटा पर पढ़ भी समस्त किसी असुविधा नहीं एटा समस्त पढ़ भी पकई दियो tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय tan 45 प्लस tan 30 इज इक्वल टू 5 बाय x। एबे सब वैल्यू पकाओ tan 45 रो वैल्यू केते 1 माइनस 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 5 बाय x। एबे आपको हमें सॉल्व करियो बस हैला, आपको सॉल्व करले कौन हबो देखो रूट 3 एलसीएम नेले पर कटि जिवो ऊपर हे जिवो रूट 3 माइनस 1 तळे हे जिवो रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाय x। एबे या पर कोन करिवा हमें सिंपल करिवा रेशनलाइज, केम दे रेशनलाइज करिवा तळे रूट 3 माइनस 1 डिवाइड करिया ऊपर तो रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करिवा हैला, ताले केते हे जिवो एटी सिंपल सा जिंसो फास्ट कर दियो दैट x इज इक्वल टू मु लिखो एटी केते हे जिवो 5 इनटू रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 किछु भूल लिखिले कि मु x इज इक्वल एति हबो ना नहीं रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1। एबे कोन करबा x इज इक्वल टू 5 इनटू रूट 3 प्लस 1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 3 माइनस 1 केते हे जिवो 2 हे जिवो, केते हे जिवो 2 हे जिवो। एटी कोन कहली एटी मु आउथरे कर दउ छी एटी स्टेप ता हे गुड एटी आउथरे मु कर दउ छी स्टेप ता देखो एटी कोन करबा 5 इनटू रूट 3 प्लस 1 इनटू रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 into root 3 plus 1 hela is equal to 5 into root 3 plus 1 no square divided by ye dekho 3 ro square minus 1 ro square keta ho 2 ho jibo hela is equal to ebe karo that is 5 into ye jibo 3 plus 1 plus 2 root 3 divided by 2 hela tale keta ho jibo 5 into 4 plus 2 root 3 divided by 2 5 into ये 2 कॉमन आसिलेर केते हिजबो 2 plus root 3
divided by 2, so 2 to cutila, that implies x is equal to 5 whole into 2 plus 5 whole into 2 plus root 3. This is my final answer. 2 minus 2 root 3 hava. 10 plus 2 root 3. Hai na ki? 5 ta common asle hai jo ni? Indramani pradhan. Nilambar tamar emiti kinde asle hai re? Nilambar tike bhal se dekha. A Nilambar. Tike bhal re dekha re? देखो रूट थ्री माइनस वन डिवाइड बाय रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू कितने फाइव बाय एक्स ताले हमारे एक्स का वैल्यू टी कितना होगा फाइव होल इनटू रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस वन तो दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल कितना होगा फाइव इनटू अबे रेशनलाइज करो रेशनलाइज करो लापरे मोर आंसर आस लगे थे एक्स होल इनटू सॉरी एक्स इज इक्वल टू फाइव होल इनटू टू प्लस रूट थ्री समस्त और क्लियर है ना नहीं ये सर नो जल्दी समस्त क्लियर है ना नहीं रे बाबा ये सर नु फटाफट कह शिवांगी इंद्रमणि तो तुम आंसर दल ज्योति प्रकाश साहू सूर्यकांत महाराणा फटाफट जल्दी ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो ताले आज पाई एतिकी थाउ आमी देखिबा पुनी परे आ गोटे अनाउंसमेंट कोनो जून थ्री रे तुम रेगुलर बैच स्टार्ट हो जी बाबा जून थ्री रे हेला जून थ्री रे रेगुलर बैच स्टार्ट हो जी तो तुम्हें ऑफिस नंबर को कांटेक्ट करके तुम रजिस्ट्रेशन कर पार ठीक अच्छे जून थ्री रे तुम रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जी रेगुलर बैच जोटा हेला हाँ ऑनलाइन मामारे तुम तो ऑफलाइन हो पार नहीं कौन करवा ऑफलाइन तो हो पार नहीं ना बुझेला ना नहीं अरे ऑफलाइन ही पड़ी वो की ऑनलाइन रे हो ना तो ऑफिस फोन को कांटेक्ट करियो समझते है ना तो केबे मन रखी था जून थ्री है ना जून थ्री बुझे ला ना नहीं रे बाबा समझते मैं कोता सुनी पार जाता जून थ्री बुझे ला रजिस्ट्रेशन कर दबो ऑफिस नंबर समस्त ऑफिस नंबर थी ना सेठी कांटेक्ट करके तुम रजिस्ट्रेशन कर पारो ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर बाय बाय गुड नाइट